पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जीना मुहाल क्यों हुआ? ममता राज में टीएमसी की दबंगई से किस कदर परेशान हैं विरोधी पार्टियों के समर्थक? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति कमोबेश पूरे राज्य में ही देखी जा रही है, लेकिन कुछ जिले हिंसा की मार से बुरी तरह प्रभावित हैं। मई के पूरे महीने में राज्य में हत्या, धमकी, गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आती रही। पंचायत चुनाव में भले ही ये बात साबित हो गई कि राज्य की सत्ता पर तृणमूल कांग्रेस की कैसी मजबूत पकड़ है, लेकिन इसके साथ ही ये भी एक सच जैसा ही है कि इन चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जीना मुहाल हो रखा है। बीजेपी से लेकर सीपीएम तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बेघर होना पड़ा। कई को तो अपने गांव छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल सूबे के दक्षिणी 24 परगना जिले में बीजेपी 15 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अब पार्टी के सभी जीते उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। या तो उन्हें अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा, खास तौर पर महिला उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा है। आलम यह है कि बीजेपी समर्थकों को अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए पार्टी दफ्तर में शरण लेना पड़ा है। ऐसा ही कुछ लेफ्ट समर्थकों के साथ भी किया जा रहा है। लेफ्ट फ्रंट के हजारों युवा समर्थकों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। लेफ्ट और बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता टीएमसी के खिलाफ भले ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेता और मंत्रियों के बचाव में अपने तर्क हैं। मालदा जिले के एक टीएमसी नेता ने अपने पार्टी समर्थकों के खिलाफ लगाए जा रहे हिंसा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनके मुताबिक असलियत तो ये है कि उनकी पार्टी के समर्थकों की हत्या की जा रही है। अब किसके दावे में कितना दम है ये तो सूबे की सियासी पार्टियां ही जाने, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रदेश सरकार की किरकिरी तो करा ही रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।